हेलो इरीस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि फरवरी मंथ के 16 से 29 के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। एंड रीडिंग के एंड में एक ट्विस्ट है, मतलब कि जो इंसान आपको प्यार करता है, पसंद करता है, उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस हम यहाँ पर देने वाले हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से उनके दिल के फीलिंग्स को समझने में आसानी हो जाए। एंड अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। सो अगर आपकी राशि एरीज हैं, यानी कि मेष राशि हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 5 कॉइन्स। वाओ। नेक्स्ट यहाँ पर है द हेरोफेंट। This is also a beautiful card. Ace of Swords. Okay. And यहाँ पर है 10 of Cups. Oh my goodness. बहुत beautiful energy है guys. बहुत ज़्यादा. देखो 16 से 29 तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से, क्योंकि 10 of Cups बॉटम ऑफ द डेक में आना, मतलब आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा खुशी की बात है। ये लव लाइफ में हार्मनी की बात करता है, खुशी आने की बात करता है, पीस की बात करता है, आपके कुछ विशेस फुलफिल होने की बात करता है। एंड साथ में अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, तो उस चीज़ का भी न्यूज़ इस टाइम पर 16 से 29 के बीच में आपके पास आ सकता है। एंड देखो रीयूनियन की भी बात करता है, अगर कोई इंसान आपसे दूर था, फिजिकली चाहे, मेंटली चाहे, स्पिरिचुअली चाहे, वो इंसान आपके करीब आने वाले हैं। आप दोनों के बीच में एक रिश्ता, एक केमिस्ट्री तैयार होने वाला है, दिख रही है मुझे। अभी तक जो भी चीज़ें आपके लव लाइफ में बंद था, मतलब कि स्टॉप था, वो चीज़ें चालू होने वाला है। आप जिस सिचुएशन में स्टक थे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। एंड लोगों की सपोर्ट यहाँ पर दिख रही है। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, जो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में, आपके रिश्ते में सुधार लाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। ओके सो एंड कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं कि आपके घर में इस टाइम पर कोई मंगल कार्य हो सकता है, आपसे रिलेटेड, जहाँ पर बहुत सारे लोग शामिल होने वाले हैं। ओके सो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी दिख रही है, अर्थ साइन टॉरस वागो कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है, एंड ईयर साइन तो है ही, मतलब कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके सो यस, यही एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं। तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है 5 of Coins। मुझे दिख रही है कोई एक इंसान बहुत टाइम से आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, एंड उसका इंतज़ार अभी ख़त्म होने वाला है 16 से 29 के बीच में। हो सकता है कि आप उनको अनब्लॉक कर दो, हो सकता है आपके साथ इनका रास्ते पर अचानक से मुलाकात हो जाए, हो सकता है किसी भी तरीके से ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर पाए, कुछ भी हो सकता है, बट इनका इंतज़ार ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड साथ में एक वॉइस वर्स सिचुएशन भी दिख रही है, अगर आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, आप किसी की तरफ से कॉल, टेक्स्ट आने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, किसी की तरफ से कुछ चीज़ें सुनना चाहते थे, उस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, कमिटमेंट मांग रहे थे, तो वो चीज़ इस टाइम पर आपके पास आने की एक बिग पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। इस कार्ड के थ्रू ये भी पता लगता है कि कोई एक इंसान आपके लिए बेहद ज़्यादा लॉयल है, बेहद ज़्यादा ऑनेस्ट है। आप उनको कितना भी पीछे छोड़ो, कितना भी उनसे नाराज़ रहो, कितना भी उनको धक्का दो पीछे, बट वो इंसान आपको इस टाइम पर नहीं छोड़ने वाले ही। वो इंसान आएंगे आपके पीछे पीछे 16 से 29 के बीच में, इस चीज़ का भी इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। ओके सो डेफिनेटली किसी से अगर आप नाराज़ हो अभी, तो वो इंसान 16 से 29 तारीख के बीच में आपको मनाने के लिए आएंगे, इस चीज़ का पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोग के लिए थोड़ा सा डिले हो, बट आएंगे ज़रूर। एंड यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड है। ये जो कार्ड है बड़ा ही पॉजिटिव कार्ड है, बड़ा ही शुभ कार्ड होता है लव लाइफ के साइड से। ये कार्ड डायरेक्टली हार्मनी की बात करता है, आपके लव रिलेशनशिप में सिचुएशंस अच्छे होने की बात करता है। अगर किसी के साथ आपका झगड़ा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, या फिर मानो कि भरोसा बन नहीं रहा था, अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो ही नहीं रहा था, कम्युनिकेशन भी हो नहीं रहा था, तो ऐसे सिचुएशंस रिकवर होने की बात करता है अचानक से। ओके तो चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लव लाइफ में चेंज होता हुआ आप देख पाओगे 16 से 29 तारीख के बीच में, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर ना आपकी लव लाइफ में एक बैलेंसिंग सिचुएशन भी क्रिएट होने वाला है, मतलब कि अगर आपके हर चक्रा इम्बैलेंसिंग वे में चल रहा था अभी तक, तो वो किसी ना किसी वजह से बैलेंस में आने वाला है। हो सकता है आप खुद ही लाने वाले हो,
जो लोग शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, या फिर किसी को शादी का प्रपोजल दोगे इस चीज़ के लिए डर रहे हो, बता ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए भी यहाँ पर गोल्डन पीरियड बनती हुई दिख रही है कि आप इस टाइम पर जिनको भी प्रपोजल दोगे, जिनका भी प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, सब कुछ आपके लिए सही बैठेगा, आपको एक अच्छा रिश्ता मिलने की चांसेस भी दिख रही हैं, अच्छा पर्सन मिलने की एक चांस दिख रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी एक इंसान से ना और ज़्यादा इंतज़ार सहन नहीं हो रहा है, और ज़्यादा दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये इंसान अभी अपने स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी भी तरीके से क्यों ना हो। इनके हाथ में ये जो स्वर्ड्स आपको दिख रही हैं सामने, ये जो जाल आपको दिख रही है, इस चीज़ को काट के चीर के ये इंसान किसी भी तरीके से इस बंधन से मुक्त होना चाहेंगे 16 से 29 के बीच में। देखो, अगर आप किसी ऐसे इंसान को प्यार करते हो जो इंसान ऑलरेडी कमिटेड है किसी और के साथ डील कर रहे हैं, मैरिड हैं, तो वो इंसान इस टाइम पर उस इंसान को छोड़कर आपके तरफ आएंगे, क्योंकि ये इंसान अभी आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। आपके साथ बात करे बिना इनको चैन नहीं आएगा, आपको देखे बिना ये इंसान रह नहीं पाएंगे, ये एक चीज़ मुझे दिख रही है बहुत इंटेंस वे में। ओके, सो जिसकी वजह से मुझे दिख रही है कि ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की बेहद ज़्यादा कोशिश करेंगे, आपके पिक्चर्स को देखेंगे रात में, अगर इनके पास नहीं है तो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ऐसी दिख रही है, या फिर कोई फेक अकाउंट बना ले, अगर इससे भी काम नहीं चला तो ये इंसान खुद ही आ जाएंगे, बट इनसे ये दूरियां अभी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये जो कोई भी है। एंड देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से, लव लाइफ के साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है 16 से 29 के बीच में। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी इंसान को बहुत टाइम से गलत समझ रहे हो, गलत वे में देख रहे हो। ओके, मतलब कि किसी एक इंसान को हो सकता है आप बुरा समझते हो, बट वो इंसान एक्चुअल में उतना भी बुरा नहीं है, मुझे दिख रही है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में ये जो दूरियाँ क्रिएट हुआ है ना, ये इंसान ना खुद जानबूझकर क्रिएट किया है, क्योंकि इनके आंखों में ये जो चश्मा आपको दिख रही हैं, इसके दौरान ये अपने दिल के फीलिंग्स को ना आंखों से बयां नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये चश्मा पहना हुआ है। ये इंसान अंदर से चाह कुछ और रहे हैं एंड कर कुछ और रहे हैं, जिसकी वजह से इनके फीलिंग्स को आप समझ नहीं पा रहे हो, इनको सही में आप जान नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये इंसान आपको ना जानने नहीं दे रहे हैं खुद को। ओके, खुद को रिवील करना नहीं चाहते ये इंसान अभी, एंड जिसकी वजह से ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं इस टाइम पर कि चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करो, चीज़ों के थोड़ा सा गहराई में जाकर देखो कि एक्चुअल में क्या बात है, डिस्टेंस अपने आप क्रिएट हुआ है या फिर किसी ने क्रिएट किया है जानबूझकर, हो सकता है इनका कोई मजबूरी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो डिवाइन इस टाइम पर बताना चाहते हैं कि आपके दिल के दरवाजे को आपको इस टाइम पर अच्छी तरीके से खोल कर रखना है, क्योंकि कोई एक इंसान आएंगे आपके तरफ प्रोपोजल लेकर, चाहे माफ़ी लेकर, चाहे कन्फेशन, कमिटमेंट, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ लेकर आएंगे उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि ये इंसान दिल से आएंगे आपके पास आपको इम्प्रेस करने के लिए। आप अगर इस टाइम पर अपने दिल के दरवाज़ों को बंद करके रखोगे, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे उस पर्सन की ओर, तो चीज़ें सही होने में ना और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, सो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा रिसीविंग एनर्जी में रहना है। ओके, देख लेते हैं जो भी आपको प्यार करता है, पसंद करता है, उनके तरफ से कुछ मैसेजेस। मैसेजेस देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान कौन है एंड क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके, देख लेते हैं, पॉजिटिव रहें। ओके, यहाँ पर हैं, लोग अक्सर पूछते हैं मेरे खुशियों का राज, इजाज़त हो तो आपका नाम बता दूँ। ओके, तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको सोचकर ही अभी खुश हो रहे हैं, आपको महसूस करके ही ये इंसान खुशी को, शांति को महसूस कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं आपसे। नेक्स्ट यहाँ पर है, नाराज़ की चाहे कितने भी क्यों ना हो तुमसे, तुम्हें छोड़ देने का ख्याल हम आज भी नहीं रखते हैं। ओके, ये कोई कहना चाहते हैं आपसे बट कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये उनका दिल का फीलिंग्स है, तो नाराज़ हो सकता है ये इंसान आपसे कितना भी क्यों ना हो जाए, बट आपको छोड़ देंगे, आपसे मूव ऑन कर लेंगे, ऐसा ख्यालात ये इंसान कभी नहीं लाते अपने मन में। ओके, तो अगर आप किसी को लेकर डाउटफुल हो तो डाउट अपने मन से निकाल दो। एंड यहाँ पर है, हमने ऐसे भी क्या खता कर दिया जो काबिले माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं कई दिनों से, क्या इतनी काफ़ी नहीं।
ओके सो इतनी हो या फिर इतना हो, जो भी हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, ये इंसान बहुत टाइम से आपको देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया. ओके सो कार्ड्स के साथ मैसेजेस बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर रहे हैं. यही है आपका रीडिंग एरीज. सो थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग. रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. बाय.